फिलहाल कपास का उत्पादन घटने की जानकारी है, वहीं कपास की मांग काफी बड़ी है, उस तुलना से कपास उपलब्ध नहीं है। व्यापारी कपास खरीदना चाहते हैं, शायद इसी कारण से व्यापारी लोग कपास की खरीदी के लिए किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। जैसे जैसे उन्हें जानकारी मिल रही है, उस अनुसार व्यापारी कपास उत्पादक किसानों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष अत्यधिक बारिश तथा बोंड इल्ली और अन्य कीटकों के संक्रमण के कारण कपास का उत्पादन जिले में काफी घट चुका है। कई किसान तो ऐसे भी हैं जिन्हें कपास का उत्पादन खर्च भी नहीं मिल सका है। कुछ किसान अभी भी कपास का दाम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और कई व्यापारी ऐसे हैं जो कपास की खरीद के लिए जिले भर में घूमते नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में खुले बाजारों में कपास को 8,000 से लेकर 8,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक भी बिकता हुआ देखा जा रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी कपास बिक्री के लिए नहीं लाई है। ऐसे किसानों को कपास के दाम और बढ़ने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष कपास के दाम 9,000 से भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। कई किसानों ने तो यहां तक कह दिया कि इस वर्ष कपास को 11,000 रुपए के दाम मिलने की उम्मीद है। कपास का उत्पादन घटने के कारण बिक्री के लिए जितनी कपास आनी चाहिए उतनी कपास नहीं आ रही। किसानों का ध्यान बराबर कपास के बढ़ते दामों की ओर लगा हुआ है। उधर व्यापारी लोग कपास खरीदने के लिए जिले के सभी गांवों में चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल जानकारों की माने तो कपास की कीमतों में फिलहाल 1,000 से 1,500 रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।